अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? मजे में? भाई आज सुबह तो इतनी कोई जबरदस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ऐसे लग रहा है सर्दी आ गई है। बस दुआ करें जल्दी से सर्दी आ जाए, हम भी जैकेट वैकेट पहने, मतलब फुल माहौल बन जाए यार। अभी फिलहाल आप देख रहे होंगे इस बेड के ऊपर फुल जो है ना, आप लोगों को ऐसा लगा होगा कबाड़ के अंदर हम बैठे हुए, क्योंकि रूम की एक्चुअली सफाई करनी है, तो इसलिए सारी चीजें मैट्रेस वैट्रेस सब उठा के जो है ना बेड पे रख दिया। तो सीन ये है, मोहम्मद आप कैसे हैं? ठीक है। सीन ये है कि भाई काफी टाइम से कोई दुम्बा शुम्बा नहीं लिया, कोई दावत शावत नहीं की है यार, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज दुम्बा लेके आते हैं। मोहम्मद दुम्बा चाहिए? कितने दुम्बे चाहिए? एक दो कितने चाहिए? सारे दुम्बे चाहिए। भाई चलते हैं व्लॉग स्टार्ट करते हैं, कोई अच्छा दुम्बा ढूंढते हैं, अगर सौदा बन गया तो लेके आते हैं। जी बेटा क्या हुआ? क्या नहीं जाऊं? आपके पास ही रहूं? आपके पास ही रहूं, हम दोनों खेलेंगे। अच्छा सही है। मोहम्मद अहमद मैं दुम्बा लेने नहीं जाऊं, क्या करूं फिर? मैं तमाशे करूं? ये चाह रहे हैं कि हम बैठ के ऐसे ही तमाशे करें। मोहम्मद अहमद एक बात बताएं, आप दुम्बे को प्यार करोगे? आप दुम्बे को खाना खिलाओगे? आप दुम्बे को नाना ही कराओगे? पक्की बात है? पक्की बात है इंशाल्लाह। या जब आप घर से बाहर निकल रहे हो और आपके बच्चे इतना प्यार से आपको बोल दें कि अप्पा नहीं जाओ, तो यकीन करें दिल ही नहीं करता कहीं जाने का। अब जब तक ये खुशी से इजाजत नहीं देगा ना, आपका भाई नहीं जाएगा कहीं। लेके आ जाऊं दुम्बा? ओके। मोहम्मद अहमद का दिल नहीं कर रहा था कि पप्पा जाएं, दोबारा मुझे बोलने लगा कि पप्पा यहीं पे रहो, मेरे साथ खेलो, तमाशे करो, आप नहीं जाओ। तो मैंने अब सोचा कि मोहम्मद अहमद को तैयार करते हैं और उसको अपने साथ लेके जाते हैं। बात सुनो, तंग तो नहीं करोगे? पक्की बात है? मोहम्मद अहमद रास्ते में पेशी पॉटी आएगी तो बता दोगे ना? पक्की बात है ना? क्योंकि अभी मैंने डायपर नहीं पहनाया, माशाल्लाह ये जो है ना फुली पॉटी ट्रेंड बच्चा है, तो मैंने जो है ना एक डायपर अपने साथ रख लिया फॉर द सेफ साइड। अच्छे बच्चे बन के कैप पहननी है, सही उतारनी नहीं है वहां पे। ओके माशाल्लाह। बैठो बैठो बैठो, आपके लिए सीडी लगाऊं मैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभानल्लज़ी सख़्ख़रा लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। सफर हमारा स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले जाएंगे वीआईपी पॉपसिकल पे और हमारी टीम में से जो अवेलेबल है उसको अपने साथ लेके जाएंगे। कार्टून बना हुआ है? हाँ वो देखे भाई, कार्टून बना हुआ है। यार आपका भाई पता है क्या सोच रहा है कि अगर करीब से ही मतलब शहर के अंदर ही अगर हमने दुम्बा ले लिया तो फायदा क्या, थोड़ा सा दूर जाना चाहिए ना, जरा ऑफ रोडिंग भी हो, थोड़ा सा एडवेंचर भी हो, है ना। चलें जी वीआईपी पॉपसिकल पे आपका भाई पहुंच गया है। भाई जैसे ही वीआईपी पॉपसिकल पे आए हैं तो ये देखे माशाल्लाह, ये जो है ना सारे हमारे सब्सक्राइबर्स कहाँ से आए हुए हैं? पंजाब साइड से आए हुए हैं, कराची, और आज इनकी वापसी थी और चाह रहे थे कि मुलाकात हो जाए, और सबसे अल्हम्दुलिल्लाह मुलाकात होगी। बहुत अच्छा लगा आप लोग आए, थैंक यू सो मच। हमारे एक कजन है, उनका नाम मोहम्मद बिन सईद है, वो भी आपको फॉलो करते हैं और हर व्लॉग देखते हैं। अच्छा जबरदस्त, चलें थैंक यू। थैंक यू मोहम्मद अहमद, दिखाओ आप क्या खा रहे हो? ग्रीन वाला खा रहे हो? अच्छा स्प्रिंकल्स। अच्छा वैसे इस वक्त हसन स्क्वायर पे हम देख रहे हैं ना, तो सारे बकरे ही नजर आ रहे हैं, है ना, दुम्बे नहीं है यहाँ पे बासित भाई। ऐसे ही बाय द वे आज जो है ना सिर्फ अब्दुल बासित भाई फारिग चल रहे थे, इतने तबे से फारिग चल रहे थे कि मेरा भाई साथ ही चल लो हमारे। चलें जी लियारी एक्सप्रेस वे पे हम लोग आ गए हैं और आज दुम्बा लेने के लिए हम लोग जा रहे हैं साकरान, जहाँ से पहले भी आपके भाई ने एक दुम्बा लिया था। मोहम्मद अहमद भैया कहाँ है? स्कूल गया है? आप स्कूल जाओगे? हे बॉय स्कूल नहीं, क्यों नहीं जाओगे? अच्छे बच्चे स्कूल जाते हैं। ओके अभी कुछ महीनों में इंशाल्लाह आपका एडमिशन कराना है मैंने। हाँ ये देखे जरा। अच्छा आप स्कूल नहीं जाओगे तो आप कहाँ जाओगे? पराठा खाओगे? चले भाई आज तो बच्चा भी हमारे साथ, कोई रिफ्रेशमेंट वगैरह ले लेते हैं, बुराक पे रुक गए हम लोग, कोई पानी शानी उठा लो यार बासित। यार मैं सोच रहा हूँ मैं कौन से चिप्स खाऊं यार, दिल कर रहा है मेरा ये वाले खाने का, लेकिन इसको खाने से जो ना हाथ लाल हो जाते हैं पूरे यार, मजेदार भी है लेकिन हाथ लाल हो जाते हैं। वैसे एक बात है, इस तरह के जो लोकल चिप्स होते हैं ना यार, ये खाने का अलग ही मजा होता है, इसका जो मसाला होता है ना बड़ा वीआईपी होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले भाई कुछ रिफ्रेशमेंट ले ली, स्नैक्स ले ली, और ये देखें मोहम्मद अहमद जो है ना अपने से बड़ा थैला उठा के आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम भजन, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? शकील भाई ये बताएं कि तैयारी करना स्टार्ट कर दी आपने, कितने दिन रह गए जाने में आपके? तकरीबन 4 से 5 दिन, और इसके बाद फिर इंशाल्लाह जिंदगी बदलने वाली है, ऐसे ही है ना शकील भाई? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब्दुल बासित भाई के लिए शायर क्या कहते हैं, देखिए ट्रक के पीछे लिखा हुआ है, दिल के अरमान आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। क्या बात है, क्या बात है, समझ तो गए होंगे आप। इस तरह की शेरो शायरी जो है ना आपको सिर्फ ट्रक के पीछे ही नजर आएगी, पता नहीं कहाँ कहाँ से शेर लेके आते हैं ये लोग। वो देखें क्या लिखा हुआ है, वेलकम टू बलोचिस्तान। ये देखें भाई बलोचिस्तान में एंटर हो गए हैं। बासित ये मोहम्मद अहमद सो रहा है क्या, आवाज नहीं आ रही? अरे भाई ये सोता है ना तो भाई ये नींद में भी शीशी कर देता है, गाड़ी रोकते हैं और इसको जो है ना डायपर पहनाते हैं। चले भाई बच्चे का सर्विस टाइम शुरू हुआ जाता है, ये देखे फुल टोन, ये देखे खड़े हो जाओ भाई, क्या है आ जाओ, बोल रहा है बातें नहीं करो, आ जाओ पहना दो, मैं सो रहा हूँ। चले भाई
ये पहना दिया हमने बच्चे को डायपर, अब आराम से सोएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग साकरान पहुंच गए हैं, और जैसे ही साकरान पहुंचे हैं ना तो भाईजान दस्तरखान बिछा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से, और अभी जो ना खाना तैयार है तो पहले लंच करते हैं भाई। मटर आलू का सालन है, यहाँ पे रायता है, यहाँ पे दही है, और यहाँ पे पकोड़े हैं, और ये गर्मा गर्म रोटी है, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आ गया भाईजान पहला निवाला। अरे भाई अपनी फेवरेट चने की दाल, ये तो मैंने देखी नहीं यार, चने की दाल तो कहीं पे भी मिल जाए ना आपका भाई छोड़ता नहीं है, चने की दाल ट्राई करते हैं। ये आ गया भाई, चने की दाल मटर और आलू से ज्यादा टेस्टी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने खाना खा लिया, अब बस नमाज पढ़ते हैं, इसके बाद फिर दुम्बे की तलाश में निकलते हैं। चले जी, अब जो है ना यहाँ के जो साकरान वाले भाई है ना, ये हमें एक जगह पे लेके जा रहे हैं, इन्होंने कुछ दुम्बे देख के रखे हुए हमारे लिए, तो अब हम वहाँ पे जाते हैं और जरा सिलेक्ट करते हैं कौन सा दुम्बा समझ आता है कौन सा नहीं आता। चले जी पहुंच गए हम, ये हमारे सामने जो है ना दुम्बे आ गए हैं, और एक नहीं तीन तीन दुम्बे आ गए। ये चेक करें भाई क्या माहौल है, आप चेक करें यार, खेत वेत हैं, फुल जो है ना विलेज लाइफ है यहाँ पे, और ये देखें भाई माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे अभी दुम्बे नहीं नजर आ रहे, मुझे दावत होती भी नजर आ रही है भाई। भाईजान ये किसके आपके हैं, किसके आपके हैं यार, ये वाला मुझे बताया ना, ये वाली जो दुम्बी है ये पहली वाली, इसके क्या मांग रहे हैं? 28,000 रुपए। नहीं यार, तो इतना दूर कराची से आने का फायदा क्या है, मतलब आपने देने वाली बात नहीं की यार, पहले भी आपसे लेके गए यार, ऐसा नहीं करें भाई। वो बात है सर, नहीं तो ऐसे बहुत ज्यादा था, लेकिन अब पहले लिए आपके लिए। नहीं मेरे लिए तो नहीं हुआ ना यार, इसको कुछ कमी बेशी करें यार, तो 12-13 हज़ार रुपए से ज्यादा की चीज नहीं है यार, मतलब ऐसा नहीं करो यार। नहीं होगा सर ऐसा, नहीं करो, अबे बकरा ही थोड़ी चल रही है यार, मतलब हो जाएगा यार, ऐसा नहीं होता भाई। पहले इसकी तो रजामंदी पूछ लें। हाँ भाई क्या हाल चाल है? अरे कहाँ भाग रही हो भाई, रुको तो सही, चक्की वाली है भाई, चक्की वाली। मैं पता है क्या सोच रहा हूँ, अगर के सौदा सही बना, सेटिंग बनती है, तो एक क्या तीनों को उठा लेते हैं यार, क्यों एक को अलग करें इनके साथ यार, तीनों को ले जाएंगे अपने साथ यार, क्या बोलते हैं आप लोग? बस तीनों का बताएं, अगर तीनों लेता हूँ आपसे कितने में देंगे, फाइनल बात करें, बिल्कुल देने वाली यार। कितने की? 75,000 की तीनों। नहीं यार ज्यादा बोल रहे हो यार, अब्दुल कबीर के लिए कितने का लिया था? 17,000 का। अरे भाई बकरा ईद के दिनों में मैंने इससे थोड़ा सा और अच्छा 17,000 रुपए में लिया था दुम्बा यार अपने बेटे के लिए। ऐसा नहीं करो यार। शकील भाई देखें यार, शकील भाई सेटिंग कर रहे हैं, आपका डिपार्टमेंट है यार, ये साकरान आपका डिपार्टमेंट है यार। जी शकील भाई क्या सीन है बताएं, कोई सेटिंग वेटिंग बन रही नहीं? सर जो बकरा ईद के दिनों में हमने जो मिठाई खिलाई थी ना, अच्छा वो जेब में जो रख के घूमते थे हम लोग, हाँ ना वो खिलाए ना, वो चूरन खिलाए ना इनको, जरा मनाए यार इनको। देखिए माशाल्लाह ये तीनों जो है ना एक साथ कितने खुश है ना, मतलब खेल रहे हैं कूद रहे हैं तीनों एक साथ ही हैं, तो हम जो है ना तीनों को ही लेके जाएंगे इंशाल्लाह। शकील भाई भाई को जरा कोने में लेके जाएं यार, ये सामने बात नहीं बनेगी, कैमरे से हटाएं इनको, कोने में लेके जाएं। बासित भाई क्या रिपोर्ट है, कैसे हैं दुम्बे? एक्टिव है ना माशाल्लाह, वीआईपी लग रहे हैं ना, बिल्कुल सही है यार। ये शकील भाई आ रहे हैं भाईजान, लगता है कोई सीन बना है। जी शकील भाई क्या कहानी है ये बताएं। बड़ी मुश्किल से जो ना चूरन खिलाने के बाद 55 तक में ले आया। 55,000 रुपये अभी भी ज्यादा है यार, 55,000। अच्छा चले अब जो है ना पैसे रखते हैं इनके हाथ में, सही पैसे रखते हैं, अगर पैसे रखते हैं मान के ठीक है, नहीं तो भाई चले जाएंगे कहीं और ढूंढेंगे। भाईजान अब एक काम करते हैं, ये आपके हाथ में पैसे दे रहा हूँ, बस आप ये रखें गिन लें, और इसके बाद फिर मना मत कीजिएगा, ये लें बस आप गिन लें गिन लें। मैं तो ये सोच रहा हूँ जो असल पार्टी गाड़ी में बैठी हुई है उसने दुम्बा खरीदना था, वो तो सो ही रही है पार्टी अभी तक। भाई ये तो 46 ही है। 46,000, मैं 45 देने वाला था, मैंने जो है ना आपको 46,000 दी, अब इसके अंदर डन कर दो, आप डन कर दो, मेरी गाड़ी में डालो यार। ये कम है सर? कम नहीं है मेरे भाई, कम नहीं है। और ये पकड़ो, चलो ये पकड़ो, ये पकड़ो, ये बस ये हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह 46,000 रुपए में तीन दुम्बों का सौदा हो गया है। वजन 500 रुपए मिठाई दे दी है भाई को, अब गाड़ी में डलवाते हैं और लेके चलते हैं दुम्बे घर पे। चले भाई चले, डाला खोलते हैं और अंदर दुम्बे डालते हैं। वेलकम हबीबी। ये आ गए भाई तीनों दुम्बे डाले के अंदर, अच्छे से हम इनको बांध रहे हैं क्योंकि रास्ता हमारा लंबा है। चलें जी लेट्स गो टू कराची। और जैसे ही गाड़ी में आके बैठे हैं तो ये देखें माशाल्लाह। अरे मोहम्मद अहमद आप उठ गए, उठ गए आप, आ जाओ मैं आपको दुम्बा दिखाता हूँ भाई, दुम्बा दिखाता हूँ, आ जाओ आ जाओ मेरे बच्चा। नींद हो गई आपकी? हो गई? दुम्बा देख रहे हैं, दुम्बा देख रहे हैं, आ जाओ। डाले में कौन है? दुम्बे है। अच्छे लगे आपको? अच्छे लगे आपको? प्यार करोगे? खाना खिलाओगे? नींद में भाई, अभी नींद में, इसको दोबारा सुला देते। नींद आ रही है? सोचो दोबारा सोचो भाई। कराची में हम लोग एंटर हो चुके हैं, इस वक्त 3:15 बज रहे हैं। मीटिंग कितने बजे अपनी? 4 बजे एक कंपनी में आपके भाई की मीटिंग है, इम्पोर्टेंट मीटिंग है। और मैं सोच रहा हूँ कि ये दुम्बे लेके ही जो है ना वहाँ पे पहुंच जाते हैं। सही है, वो लोग ही बोलेंगे ये सही बंदा है, डाले में दुम्बे डाल के ले आए मीटिंग के लिए।
यार ये क्या क्या तुमने, अरे बच्चा सो रहा है, बच्चे के बिस्किट खा लिए यार इसने, मतलब यार हद हो गई यार। मोहम्मद अहमद यार ये आपके साथ क्या हो रहा है यार, अभी उठ गया। ये जरा इसको खोलना जरा, इसके अंदर इसकी चॉकलेट लावा निकलता है। ओए होए होए, ये तो मजे ले लेके बिस्किट खा रहा है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ अगर अभी मोहम्मद अहमद उठ गया ना तो अभी हमारे पास कोई भी चीज नहीं है इसको खिलाने के लिए, सही है ना? नहीं नहीं कुछ भी नहीं है, तुम्हारे पास क्या है? क्या है? नो बेटा आज दूसरा पड़ा हुआ है बिस्किट, फिर सही है, वरना तो इसने तुम्हारे को जो है ना छोड़ना नहीं था। चले भाई जहाँ हमारी मीटिंग है ना वो सामने ऑफिस है, मैं पहुंच गया। भाईजान आप जरा दुम्बे भी संभाले, ठीक है जी, मोहम्मद अहमद को भी जरा टेक केयर करें, मैं आता हूँ मीटिंग के बाद मिलते हैं। अब्दुल कबीर आप क्या कर रहे हो? अच्छा घुमा रहे हो माशाल्लाह। मुस्तफा दो दिन से मैं आपको कह रही हूँ कि अब्दुल कबीर का एक्सरसाइज का बॉल लेकर आना है, बट अब अभी तक लेकर यार बॉल मैं भूल गया, मैंने पूरा नियत की हुई थी कि मैं आज बॉल लेके आ जाऊंगा, लेकिन अब जो है ना बेगम एक दिन का टाइम देने, कल बॉल का करते हैं। फिलहाल ये बताएं कि दुम्बे कैसे लगे आपको ये सारे? माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, लेकिन आज छत की सफाई हुई। हाँ यार ये तो मसला है, छत इतने दिन बाद मैं यही बोलूंगा चमक रही है, और ये देखिए ये क्या किया तुमने, अभी तो और भी गंदगी होने वाली है भाई। चले जी इसी के साथ आज का व्लॉग एंड करते हैं, अब आपका भाई जाता है इन दुम्बों के लिए कुछ खाने पीने का कोई चारा वारा लेके आते हैं, ताकि ये भी अपना पेट वेट भरे, VIP सेटअप करें, और होपफुली आज की वीडियो भी आप लोगों ने एंजॉय की होगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कल के व्लॉग मिलते हैं, अस्सलाम वालेकुम।